ऐसे अवार्ड शो में बहुत सारे साथी हैं जिससे आप मिलते हैं, जिससे मिल नहीं पाते, तो क्या फीलिंग्स होती है, क्या क्या बातें एक्सचेंज होती है दूसरे के बीच? देख के अभी अंदर जाएंगे कौन कौन आए हैं, उनसे मिलेंगे और पूछेंगे. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इवनिंग एंड शुड बी फन. लुकिंग फॉरवर्ड. या अभी आश्रम की और भी टीम आने वाली या फिर आप? हाँ, शायद आएंगे, शायद आएंगे. आश्रम को जो अभी सफलता मिली है एक्सेप्टेंस लेके क्या खास है? इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये नॉमिनेशन मिला है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड थैंक यू ऑल एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दैट शो. इसके बाद हाँ, इसके बाद हाँ जी, एक और. थैंक यू, थैंक यू. Sir is here. I think you should take his bite. I'll come back. Let him. आपको पता है ना कल ईद है. थैंक यू, ईद मुबारक आप सबको. सॉन्ग आप लोग मुझे गाने में देखना चाहते हैं? ठीक है, आई फॉर श्योर कंसिडर दिस. और मैं काफ़ी सारे गाने आए मेरे पास पर मुझे उतने पसंद नहीं आए. अब कुछ आता है तो फॉर श्योर मैं आप सब लोगों के लिए ज़रूर करूँगी. अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्यों आप ये सारी बातें कर रहे हैं? जब बिग बॉस OTT आएगा तब देखा जाएगा. आई एम वेरी थैंकफुल. दिस इज माई थर्ड विद दादा साहब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड इट डेफिनेटली यू नो इनकरेजेस यू, मोटिवेट्स यू टू वर्क इवन मोर हार्डर. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. ईद मुबारक आप सबको. बहुत 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 ईद मुबारक. थैंक यू मैडम. थैंक यू. कल ईद है और बिरयानी बनानी है, जैसे मैं ही बना रही हूँ.